हाय फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। आई एम श्रवण परमार और हमारा आज का वीडियो है शीर्षासन पर। हम देखेंगे बिगिनर्स को शीर्षासन कैसे करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इससे होने वाले फ़ायदे और हमें कितनी देर तक करना चाहिए, उसके फ़ायदों का लाभ कितने टाइम के बाद हमें मिलता है। तो दोस्तों, शीर्षासन हमें डेली 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए और हमें महीने में लगभग आप महीने भर अगर करते हैं, 1 महीने 30 दिन तक करते हैं, तो इसके आपका रिज़ल्ट आना चालू हो जाएंगे। साथ ही आप देखते हैं दोस्तों, शीर्षासन करने से आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, जिससे धीरे धीरे आप देखें आपका ऑप्टिकल अगर लगा हुआ है तो वो उतर जाएगा। और इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है दोस्तों, शीर्षासन करने से। इसे आप डेली आपको रूटीन में यूज़ करना चाहिए। इसको स्टूडेंट, किसी भी उम्र का व्यक्ति आराम से कर सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और शीर्षासन कैसे करते हैं ये इसमें आप आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे आप वीडियो में आगे देख रहे हैं, इसमें बता रहा हूँ कैसे इजी आप स्टेप बाय स्टेप अपना शीर्षासन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन बेल आइकन दबाएं दोस्तों, ताकि अगला वीडियो आपको आए। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, शीर्षासन से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप देखते हैं अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपके अगर बाल झड़ने वाली समस्या होती है तो उससे भी आप निजात पाते हैं। बहुत ही आप देखेंगे लंबे समय तक करने से आपके बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे, यह भी इसका एक फ़ायदा है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, शीर्षासन से रिटर्न आप कैसे पोजीशन में अपनी आएंगे, जैसे आपने स्टार्ट किया था वैसे ही आपको एंड करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री महाकाल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री महाकाल दोस्तों।